गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट नेम इज़ प्लांट एंड एनिमल। सो चलो लेट्स बिगिन द चैप्टर, लेट्स बिगिन द चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, प्लांट एंड एनिमल्स। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम प्लांट एनिमल्स के बारे में जानेंगे, उनके बीच के डिफरेंस के बारे में भी रीड करेंगे। इफ़ वी हिट अ प्लांट विथ अ स्टिक, इट डज नॉट रिएक्ट, नाइदर डज इट रन अवे एज अ डॉग वुड, एज अ डॉग वुड, बट इट डज नॉट मीन दैट प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, दे प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स, बट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन मैनी वेज। इस चैप्टर में हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में रीड करना है, और यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि जब भी कभी हम प्लांट को, इसको हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लांट को हम स्टिक से हिट करते हैं, प्लांट को मीन्स स्टिक से मारते हैं, क्या वो रिएक्ट नहीं करता है, वो डॉग की तरह रन अवे भी नहीं करता है, बट इसका मीन्स ये नहीं है कि प्लांट नॉन लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट और एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल्स ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं, और इसकी ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग थिंग्स की तरह ही हैं, बट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स मैनी वेज, लेकिन एनिमल्स प्लांट्स से डिफरेंट हैं बहुत सी चीज़ों में। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर अब हम डिफरेंस प्लांट और एनिमल्स के बीच के डिफरेंस के बारे में रीड करेंगे। मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, water and shelter, they also move to protect themselves from their enemies, this movement of the animals is locomotion। अब हम इस टॉपिक में प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो है वो आपका मूवमेंट है, एनिमल्स मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जाते हैं और फूड वाटर शेल्टर को सर्च करने के लिए ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, और अपने को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये मूव करते हैं। और इस तरह के एनिमल्स के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट डू नॉट शो सच मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट शो नहीं करते हैं, दे रिमेन फ्लैग फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे फिक्स रहते हैं। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट अलॉन्ग वॉल ग्राउंड डायरेक्शन ऑफ सन, कुछ प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि वो वॉल ग्राउंड और सन की तरफ डायरेक्शन को प्लांट्स शो करते हैं। रूट्स भी शो करती है मूवमेंट को ग्राउंड में, वो अंदर की तरफ ग्रो करती है, वाइल स्टेम ग्रो अपवर्ड, और स्टेम अपवर्ड मीन्स सॉइल के ऊपर की तरफ ये ग्रो करता है। इस तरीके से प्लांट इस तरीके से मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है आपका ब्रीथिंग, इसमें अब हम ब्रीथिंग, प्लांट और एनिमल्स के ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। एनिमल्स डिफर इन वेज ऑफ ब्रीथिंग, एनिमल्स ब्रीथिंग डिफर मीन्स एनिमल्स अलग अलग तरह से ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। ह्यूमन ब्रीथ इन थ्रू नोज, सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स, एंड फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, मीन्स यहाँ पर अब आपको बताया जाएगा कि एनिमल्स में अलग अलग तरह से ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए नोज़ का यूज़ करते हैं, एनिमल्स कुछ एनिमल्स नॉस्ट्रिल का यूज़ करते हैं, इंसेक्ट ब्रीथिंग के लिए टिनी होल्स का यूज़ करते हैं, और फिशेस ब्रीथिंग के लिए गिल्स का यूज़ करती हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एनिमल्स
एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथ इन के लिए और ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, प्लांट्स इसके अपोजिट करते हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और एयर में ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं। और ये प्रोसेस इनके लीव्स में होती है, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस करते हैं। अब ब्रीथिंग के लिए ये ह्यूमन बींग्स के लंग्स को दिखाया गया है जो उनको ब्रीथिंग के लिए सपोर्ट करता है, इसी के द्वारा वो ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। और प्लांट में ये लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू ये ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। ओके चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे रीड करेंगे। थैंक यू क्लास।